गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू GRS टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए। और आज का ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को बताई थी पार्ट वाइज में बना रही हूँ, तो आज का ये भी जो वीडियो है ये पार्ट वाइज है। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी चेकआउट आप लोग ज़रूर से करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ मैन बायज अ फैन फॉर ₹1000 एंड सेल्स इज एट ₹15%। किसी एक शॉपकीपर ने ₹1000 का एक फ़ैन परचेज़ किया है और उसका जो लॉस है वो 15% रहा है, तो बताइए उसका जो सेलिंग प्राइस है पंखे का वो कितना रहा हो। सो यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, हमें अप्लाई करना होगा फॉर्मूला लॉस परसेंटेज का, L/CP × 100, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 15 को हम लोग लॉस से करेंगे, 15 इज इक्वल्स टू लॉस बाई 1000 × 100, तो लॉस हमारा आ जाएगा कितना, 150, है ना। और ये हम लोग सभी लोग जानते हैं, एज वी ऑल नो CP माइनस SP हो जाएगा, तो SP हम लोग साइड में लिखेंगे, CP को माइनस करेंगे लॉस के साथ, तो 1000 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 850। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 850। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पेन कॉस्ट ₹50 आफ्टर 10% डिस्काउंट एंड वॉट इज एक्चुअल प्राइस ऑफ मार्क प्राइस ऑफ द पेन। किसी पेन का जो प्राइस है वो ₹50 है और 10% डिस्काउंट करने के बाद जो है वो रहा है ₹50, तो एक्चुअल दाम कितना होगा पेन का, मार्क प्राइस क्या है। तो MP निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 100 - 10/100 इज इक्वल्स टू 50, ₹50 पेन का दाम है। फिर हम लोग 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा और नीचे 100 रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 × 100/90 करेंगे, तो 50 × 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और उसको हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो ₹55.55 इसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹2500, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹2000, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पी परसेंटेज इज इक्वल्स टू P/CP × 100, फिर 2500 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2000 के साथ, उसके बाद साइड में हम लोग 100 लिखेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे CP हमारा कितना है, 2000 है, SP है हमारा कितना है, 2500। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 आ रहा है, और ये प्रॉफिट का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 100 को जो है हम लोग माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो कितना आएगा, 25%। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2000, करेक्ट आंसर मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है 25%, ये करेक्ट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।